रोहित चौहान, ये हसीन वादियाँ, इनसे होते हैं मोहब्बत। क्या आपको भी होती है इनसे मोहब्बत? ये तो हमारी जिंदगी है, जिंदगी। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इन उत्तराखंड से हसीन से वादियों में। और चलो आज इन्हीं हसीन वादियों के थ्रू आज हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम सुबह 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 के बज रहे हैं 7, तो मैं जा रखा था भाई को छोड़ने, भाई गए दिल्ली। तो ऐसे चलो आज ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मेरे दोस्त की शादी भी है और शादी में भी जाना है हमको, और वहाँ करेंगे यार की शादी। आज मेरे यार की शादी है, आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के कुछ हसीन पल जो कि हमेशा के लिए यादगार। तो चलो आप, हम आपको दिखाते हैं कुछ हसीन से वादियाँ। और ये रसीले पहाड़, मीठे पहाड़, यहाँ के क्या है कि उत्तराखंड के इन पहाड़ों में आके ना एक सुकून मिलता है जो कि आप लोग नहीं ले पाते हो। जो हमारे उत्तराखंड से होंगे उनको पता है कि हम कौन सा सुकून उत्तराखंड में कौन सा सुकून मिलता है, देवभूमि उत्तराखंड जो कि देवों का वास। तो दोस्तों आना, जरा आना कभी इधर घूमने के लिए और इन्जॉय करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक बिंदेश्वर मंदिर है जो बहुत फेमस है और अभी अभी नया मंदिर बना है, तो आपको इसमें दिखा नहीं पाऊँगा। और सामने ब्रह्मढुंग है, ब्रह्मढुंग बिंदेश्वर मंदिर का और ब्रह्मढुंग का बहुत बड़ा महान महत्व है हमारे चौथान में और इस उत्तराखंड में। तो चलो गाइस, आपको एक झलक दिखाता हूँ बिंदेश्वर महादेव की ओर। सो गाइस, यहाँ हमारे बिंदेश्वर बैठे हुए हैं। आपको अगर यहाँ पे वाइट सा दिख रहा होगा हल्का सा बीच में, तो वो हमारे बैठे हुए बिंदेश्वर महादेव हैं। और वहीं थोड़ा सा दूर जाके हम देखेंगे, दिखाएंगे आपको ब्रह्मढुंग। तो यहाँ पे जो ये बड़ा सा पत्थर जैसे दिख रहा है, ये हमारे ब्रह्मढुंग है बिंदेश्वर मंदिर से आधा किलोमीटर की दूराई पे, और ये हमारे चौथान है। रंग रूप सारू जब तोन दियाली छा, फुर्सत से परुली त्वेत बनाई छा, तेरा साथ का साथी भी तेरा। सो गाइस, आजकल चल रहा शादियों का सीजन, तो सभी लोग शादियों में बिल्कुल मस्त और मगन हैं एकदम। मतलब इतनी शादियों के निमंत्रण आ चुके हैं कि एक शादी में जाने का मौका ही नहीं लग रहा। जैसे एक में पहले क्या होता था कि एक शादी में गए, खा पी के बिल्कुल मौज मस्ती करके आते थे। अब क्या चल रहा है, एक शादी में गए और न्योता लिखाया, वहाँ से आउट, दूसरी शादी में वहाँ से न्योता लिखाया, तीसरी शादी में और जो भी शादी मिली लास्ट में वहाँ खाना खा के जा रहे, वो भी थके आ रहे। तो क्या करें, ऐसे में शादियों का सीज़न भी चल रहा है, पूजा चल रहे हैं। तो चलो गाइस, चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे घर का माहौल। ये हमारे प्यारे से गांव का रास्ता, और ये सामने जो आपको दिखाऊंगा मैं अभी बुंगीधार जो कि हमारा स्कूल था, यहाँ हमने पढ़ाई कर रखी है। ये हमारा बुंगीधार का स्कूल है,